अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। आज हम जानेंगे कि अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने की सबसे सहज विधि कौन सी है। बाबा ने कहा, जिससे मिलना होता है पहले पहले तो अपनी स्थिति उसके समान बनानी होगी। जब तक इस व्यक्त दुनिया की किसी वस्तु या व्यक्ति में भावना है, तब तक समझो अंदर में कोई कामना है, और कामना वाला माया का पूरा सामना नहीं कर सकता। जब तक सामना नहीं कर सकते, तब तक समान भी नहीं बन सकते। फिर बाबा ने इस पुरानी दुनिया से उपराम होने की बहुत सहज युक्ति सुनाई। जैसे चित्र में श्री कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर बैठा दिखाते हैं, पांवों के नीचे ग्लोब दिखाना अर्थात उनका सृष्टि पर मालिकपन और अधिकारीपन दिखाना। ऐसी अपना चित्र भी इमर्ज करो कि हम भी इस व्यक्त दुनिया के किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अधीन नहीं है, बल्कि अधिकारी हैं। अधिकारी वह है जो स्मृति का स्विच सदा अपने कंट्रोल में रखता है। जब चाहो, जहां चाहो और जितना समय चाहो वैसे अपनी स्थिति को सेट कर सके। अब ऐसे अधिकारी बनना है। फिर बाबा ने लिफ्ट का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे लिफ्ट का स्विच अगर अपने हाथ में होता है तो फिर तुम चाहे फर्स्ट फ्लोर पर जाओ, सेकंड फ्लोर पर जाओ या थर्ड पर, ये तुम्हारे अपने कंट्रोल में होता है। ऐसे बुद्धि को भी मूल वतन, सूक्ष्म वतन में जब चाहो, जितना समय चाहो ले जा सकते हो। लेकिन जो सारा दिन व्यर्थ समय गंवाने के अभ्यासी हो गए हैं, वह चाहकर भी अपने को निराकारी स्थिति या अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं कर सकते, अर्थात अव्यक्त मिलन का अनुभव भी नहीं कर सकते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।